कौन सा खाएंगे, वेज पोर्क या चिकन? पोर्क। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बहुत दिन हो गया। एक्चुअली मेरा वायरल फीवर था, करीब 15 दिन हो गया, तो मेरा हालत बहुत ही खराब था इन दिनों। तो आज क्या हुआ, हम कोई वीडियो भी ला नहीं पा रहे थे वो मेरा तबीयत की वजह से। तो आज हमने क्या किया, मेरे एक दोस्त है उसने मेरे को एयरपोर्ट में बुलाया, उसका एक रेस्टोरेंट इनॉग्रेट हुआ है, कुछ दिन हो गया, तो मेरे को बहुत दिन पहले से बुला रहा था। तो आज जाएंगे वहाँ पर, और आज मेरे साथ है मेरा बहना है, वो लोग आज बेंगलोर में जा रहे हैं एक बार पीछे दिखाने के लिए, हम बोलेंगे तो। हाँ, तो सी इज देयर, और मेरा नीच है वो सो रहे हैं अभी। तो पहले उन लोगों को एयरपोर्ट में ड्रॉप करेंगे, तो ड्रॉप करने के बाद हम वो जो मेरा दोस्त है उसका रेस्टोरेंट में जाएंगे और खाना खाएंगे वहाँ पर। तो बने रहिए हमारे साथ, हम दिखाते हैं। किसी दे दो। बाय 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 बाय। हेलो भाई। बैठो। चलो तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हमने उन लोगों को एयरपोर्ट में ड्रॉप कर दिया, और अभी दीप भाई के साथ हम अपना उसका रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। तो वहाँ पर बहुत सारा आइटम वगैरह बनाता है, तो क्या क्या बनाता है चलिए एक बार देख लेते हैं आज। उस लोग हमने क्या क्या, ये दीप भाई हमको एक जगह पर लेके आया, तो यही एक घाट है, उस साइड में आपका ब्रह्मपुत्र नदी फ्लो कर रहा है, तो वहाँ पर जो आपका व्यू है एक बहुत ही बढ़िया लोकेशन मिलेगा। तो अभी थोड़ा आगे जाएंगे क्या दीप भाई, तो आगे जाके पहले वो नज़ारा देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर से वो रेस्टोरेंट में जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लोग मछली मार रहे हैं, तो फिशिंग वगैरह करते हैं यहाँ पर ये घाट पर, और इवनिंग के टाइम में बहुत ही बढ़िया होता है यहाँ का नज़ारा। तो ये दीप भाई के रेस्टोरेंट में हम पहुंच गए, ये न्यूली इनोग्रेटेड एक रेस्टोरेंट है, तो इसके अंदर सुना है कि बढ़िया बढ़िया खाना मिलता है, तो क्या बनाता है एक बार देखते हैं, चलिए आगे जाके।
तो दीप भाई यहाँ पर क्या बना रहे हैं? यहाँ पे आपका वेज पकौड़ा, ओके, फिर ब्रेड पकौड़ा, एक चॉप, आलू चॉप, चिकन पकौड़ा भी रेडी हो रहा है। अच्छा, और ये क्या बना रहे हैं? ये वही है चिकन प्याजी, ये आपका प्याजी चॉप बन रहा है अभी। अच्छा अच्छा, वो रेडी हो रहा है अभी, अभी लोग आ रहे हैं। और इस साइड में, इस साइड में आपको मोमोज का काउंटर देंगे। ओके, दिखाइए एक बार। यहाँ पे आपका मोमोज रेडी हो रहा है, फास्ट फूड काउंटर है। मोमोज, चिकन रोल, वेज रोल, पोर्क रोल वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कौन 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 सा मोमो अवेलेबल? ये आपको ये वेज, पोर्क और चिकन मोमो अभी बेसिकली अवेलेबल होगा। एक प्लेट बना दो भाई, एक प्लेट हम बना दिया, एक मोमो एक प्लेट बना दिया। एक अभी एक मोमो का एक प्लेट लगा रहे हैं आपके लिए, आप एक बार खा के देख लीजिएगा। बहुत पॉपुलर मोमो यहाँ पे, सब लोग पसंद करते हैं। कौन सा खाएंगे, वेज पोर्क या चिकन? पोर्क एक प्लेट लगा दिया। अच्छा, ये आपका लोकेशन बोल दीजिए कहाँ पर? ये आपका जो एयरपोर्ट रोड है, एयरपोर्ट रोड में आपको जब जाएंगे तो आजारा हॉस्पिटल मिलेगा, तो ऑन द वे टू ऑपोजिट आजारा हॉस्पिटल आपको ये मिलेगा, ओ फूडी। सो दिस इज द सूप ऑफर्ड विद द मोमो। ये जो टेस्ट है ना, बढ़िया है एकदम, हॉट स्वीट एंड सोर एकदम, दिस इज द परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ अ सूप। तो अभी थोड़ा ये मोमो टेस्ट करके देखते हैं, हाथ से ही खाते हैं। ऑसम, बहुत ही खूबसूरत टेस्ट है इसका। आई मस्ट टेल, दिस इज द टिपिकल असम का जो मोमो होता है ना, दिस इज वो टेस्ट मिलेगा आपको यहाँ पर। एंड ये जो चटनी है, ये भी बहुत ही टेस्टी है, दिस इज़ ए यूनिक वन, आई मस्ट से दैट। ये जो चटनी के साथ ही जो मोमो का टेस्ट है ना, इट्स रियली ऑसम। और ये जो हम लोग का जो चटनी है ना, इसको हम लोग इसको डेली बेसिस में इसको चेंज करते हैं। अच्छा, ये चटनी? हाँ, चटनी को, ओके, हम लोग इसको डेली चेंज करते हैं। अच्छा, तो इसको हम लोग अलग अलग तरह का जो डिशेज होता है उसके हिसाब से हम लोग बनाते हैं इसको। अच्छा, तो ये चटनी यहाँ का स्पेशलिटी है? हाँ, चटनी स्पेशलिटी है। और आप अगर ये खाने के लिए कल आएंगे तो आपको कोई अलग चटनी मिलेगा, अलग चटनी मिलेगा। और एक बार बोल दीजिए, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है फ्रेंड्स। बहुत पहले दिनों से मेरे को बोल रहा था यहाँ पर आके एक बार टेस्ट करने के लिए, तो हम बस टेस्ट करने के लिए आए हैं। थैंक यू। तो ये रूपज्योति ने एक मेरे लिए एक पकौड़ा लाया है। ये कौन सा पकौड़ा है? इसको हम लोग प्याजी सॉप बोलते हैं। अच्छा, प्याजी सॉप नाम का ये प्याजी सॉप है। अच्छा, लेकिन इसमें आपको हम लोग का कुछ जो दुकान में जो हम लोग के स्पाइसेस मिलते हैं, ओके, वो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे हम लोग मेडिसिनल हर्ब्स यूज़ करते हैं। इंग्रेडिएंट्स इसमें? इंग्रेडिएंट्स, ओके। तो मान लीजिए जैसे आसामीज में बोलते हैं कि नोरेंगो, जो हेल्थ अच्छा होता है, या फिर बेदलता पात, ये हेल्थ अच्छा होता है, उस तरह का हर्ब्स हम लोग इसको बनाने के लिए यूज़ करते हैं। सो टेस्ट बहुत ही बढ़िया है इसका। तो फ्रेंड्स, हमने ये मोमो पकौड़ा ये सब खा लिया दीप भाई के दुकान में। तो अभी हम आज के लिए जा रहे हैं, एंड थैंक यू फॉर द ट्रिप। थैंक यू सो मच। तो आज के लिए निकलते हैं, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय अपकमिंग वीडियोस। बाय बाय बाय।